हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे JSSC प्रिपरेशन कॉमर्स क्लास, जिसमें आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग एक बार रफ में देख लेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और इसके नीचे वर्कर। तो जैसे हम देख सकते हैं ये एक लाइन में, ये टॉप बॉटम अप्रोच है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं स्केलर मेथड, या फिर ये एक स्ट्रेट डाउन मेथड है जिसमें अथॉरिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं, मैनेजर टू असिस्टेंट मैनेजर, वहाँ से वर्कर। नेक्स्ट है स्टाफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर इसके नीचे हो गया, क्वालिटी मैनेजर इसके नीचे हो गए, वर्कर्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, इसके अंदर भी वर्कर, इसके अंदर भी वर्कर है। ये हो गया स्टाफ और लाइन। ये जो ऊपर से नीचे हो रहा है वो हो रहा है लाइन मैनेजमेंट, और ये एक ही लेवल पे है तो ये हो गया स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें स्टाफ प्लस लाइन दोनों को का मिक्सचर को बोलते हैं स्टाफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट थर्ड टाइप है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, टॉप मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसके नीचे हो गया डेवलपमेंट टीम, नेक्स्ट है ट्रेनिंग टीम, HR के अंदर जैसे अकाउंटिंग क्लर्क, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंडर हो गया सेल्स टीम, एग्जीक्यूटिव। तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसको अलग अलग फंक्शंस के अंदर कैटेगराइज कर दिए। इसमें है लाइन प्लस स्टाफ प्लस फंक्शन। स्टाफ लाइन में होता है दे प्रोवाइड असिस्टेंस और एडवाइजरी फंक्शन टू स्टाफ लाइन, और फंक्शन में होता है दे प्रोवाइड कमांड। यहाँ पे अथॉरिटी नहीं होता है, यहाँ पे अथॉरिटी होता है। अथॉरिटी नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होगा, यहाँ पे अथॉरिटी है और दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। स्टाफ लाइन का काम है असिस्ट करना, बट फंक्शनल का कमांड है, फंक्शनल का जॉब है कमांड देना। फोर्थ हो गया मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, फिर से वही बना लेंगे टॉप मैनेजमेंट, HR डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट,
डेवलपमेंट टीम, ट्रेनिंग टीम, एचआर डिपार्टमेंट के अंदर है अकाउंटिंग क्लर्क, नेक्स्ट हो गया हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स टीम, एग्जीक्यूटिव। तो इसमें सारे लेवल के एम्प्लॉइज़ एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इवन स्टाफ वाले लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन गिव ऑर्डर टू द लोअर एग्जीक्यूटिव्स आल्सो। ये हर एक लाइन पे जा सकता है, कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर सकता है। इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा नंबर 5 है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। टॉप मैनेजमेंट, फिर से वही डायग्राम बना लेंगे, अच्छा डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग क्लर्क, R&D डिपार्टमेंट, डेवलपमेंटल टीम, ट्रेनिंग। नेक्स्ट हो गया इधर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। तो प्रोजेक्ट के लिए में क्या होता है कि हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट के लिए वही डिपार्टमेंट से अलग अलग लोगों को चूज़ कर लेंगे। जैसे हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिए, डेवलपमेंट टीम लिए, ट्रेनिंग लिए, यहाँ से क्लर्क ले लिए, सेल्स ले लिए, एग्जीक्यूटिव ले लिए। तो हमें अगर कोई भी कंपनी में अगर कोई भी प्रोजेक्ट होगा बनाना, तो हमें अगर जो भी ज़रूरत पड़ेंगे जो लोगों की, हम वो लोगों को चुन लेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम करें उन्हें, तो वे अपना काम भी करेंगे और जो प्रोजेक्ट बन रहा है प्रोजेक्ट भी, उसमें भी वो लोग हेल्प करेंगे। ये होता है प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम। इससे वर्कलोड कम होगा, मतलब बाहर से लोगों को मंगाना का ज़रूरत होगा नहीं और वो लोग यहीं से मंगा सकते हैं, अपने काम जो एग्जिस्टिंग टीम है वही लोग से करा सकते हैं। सो एक बार हम लोग इसका डेफिनेशंस वगैरह देख लेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट लाइन, सेकेंड है स्टाफ लाइन, थर्ड है फंक्शन, फोर्थ है मैट्रिक्स एंड फिफ्थ है प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हायरार्कियल ऑर्डर में बोल सकते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड इट इज़ अ क्लियर डिविजन ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि अथॉरिटी ऊपर से टॉप टू बॉटम जाता है। नेक्स्ट है स्टाफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस फंक्शनल स्पेशलिस्ट आर एडेड इन द लाइन, जो लाइन में था एग्जिस्टिंग लाइन उसमें हम फंक्शनल स्पेशलिस्ट को भी ऐड कर देते हैं। द स्टाफ इज फॉर असिस्टिंग और एडवाइजिंग द लाइन मेंबर्स इन अचीविंग द टारगेट। ये लोग बस असिस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं जो लाइन मेंबर्स हैं उन्हें। दे डू नॉट पोजेस एनी कमांड ओवर लाइन स्टाफ एंड सबऑर्डिनेट्स। कोई कमांड नहीं रहता, बट वो लोग बस वो लोग एडवाइस करते हैं। स्टाफ मेंबर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन हैंड्स ऑफ ओनली लाइन मैनेजर्स। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड करते हैं, वो लोग सबऑर्डिनेट्स का बात को मतलब सुनते नहीं हैं, वो लोग एज एन एडवाइस लेते हैं, बट वो अकाउंटेबल नहीं रहते, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस द टास्क ऑफ मैनेजिंग एंड डायरेक्टिंग द एम्प्लॉयज इज अरेंज्ड एज पर द फंक्शन दे स्पेशलाइज। इसमें फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग उसे कैटेगराइज कर देते हैं। इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देर 3 टाइप्स ऑफ लाइन मेंबर्स, स्टाफ मेंबर, फंक्शन मेंबर्स, ठीक है। इसमें लाइन मेंबर्स भी होते हैं, स्टाफ भी होते हैं और फंक्शनल मेंबर्स भी होते हैं। स्टाफ मेंबर्स हैव द अथॉरिटी टू कमांड एंड आर अकाउंटेबल टू मोर देन वन हेड। इसमें अथॉरिटी टू कमांड होता है, लाइक लास्ट में देखे थे स्टाफ लाइन में, उसमें अथॉरिटी टू कमांड नहीं होता, बस दे कैन एडवाइस। पर फंक्शनल में दे हैव द अथॉरिटी टू कमांड। फोर्थ हो गया मैट्रिक्स। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
मैनेजमेंट हैज़ बोथ वर्टिकल, ये टाइम के जगह टाइप होगा. इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजमेंट हैज़ बोथ वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल फ्लो, दे हैव द पावर एंड अथॉरिटी एंड वाइस वर्सा. सो ये लोग किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल. और लास्ट हम देखे थे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन. प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज टेम्पररी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज फॉर्म टू मैनेज प्रोजेक्ट फॉर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम. जब भी प्रोजेक्ट बनता है तब हम लोग कुछ कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज को एक साथ काम पे रख लेते हैं. दे हैव स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हु आर ब्रॉट टुगेदर टू मेक अ न्यू प्रोजेक्ट. इससे क्या होता है, दिस रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड फुल एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. सो आई होप इट इज़ क्लियर एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन. सो देयर आर आल्सो फ्यू क्वेश्चंस आस्क्ड इन जीएसएससी. फॉर द फंक्शन ऑफ स्टाफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू. हम लोग पढ़े थे स्टाफ लाइन का, वो क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं. सो आंसर हो गया एडवाइस द लाइन. नेक्स्ट अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू. मैथमेटिकल इंजीनियर रोज एंड कॉलम्स का नहीं, एम्प्लॉयमेंट फॉर टास्क कम्प्लीशन ये भी नहीं है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जिस्ट ऐसा कुछ नहीं. अथॉरिटी होता है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद में उन्होंने कुछ नहीं कहा. द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट आर कम्बाइंड, ये होगा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का आंसर. नेक्स्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज अ पर्सन बिकम अकाउंटेबल टू टू और मोर सुपीरियर एट अ टाइम. तो इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. वर्टिकल में तो नहीं होता क्योंकि टॉप डाउन होता है. सेंट्रलाइजेशन में भी नहीं होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता है. तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इसका आंसर होगा. नेक्स्ट है इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू फंक्शन विद स्पेशलिस्ट हैविंग अथॉरिटी. वेरी गुड, स्पेशलिस्ट होते हैं और उन्हें अथॉरिटी भी दिया जाता है. ऑप्शन टू नो अथॉरिटी रॉन्ग होगा. दे आर नो एडवाइजर एंड एग्जीक्यूटिव अलोन हैव द अथॉरिटी. नहीं, इसमें सबके पास अथॉरिटी होता है. और लास्ट है द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू